नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी आज जैसा कि आपने थंबनेल ने देख लिया होगा, छात्रों के लिए एक विशेष संदेश लेके मैं आया हूँ और ये संदेश कहीं ना कहीं आपको आने वाले आगामी जो परीक्षाएँ हैं उनमें किस हिसाब से आपको अपनी मैच्योरिटी, अपने दिमाग की परिपक्वता को बनाए रखना है और कैसे आपके पास, अभी मैं देखूँ तो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आने वाले विगत महीनों में, महीनों बोल सकते हो या एक साल बोल सकते हो, तकरीबन 80,000 जॉब के आपके पास अवसर हैं। कहीं ना कहीं सुनने में ये फिगर बहुत बड़ा लग रहा है और इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने आया हूँ। जो उम्मीद है बहुत पेशेंटली आप चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और अपने आप को ऊर्जावान अंततः महसूस करते हुए अपनी तैयारी को सही दिशा और सही दिशा देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को जरूर लाइक कर लें। देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य, हम सभी लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं। चुनाव में सबसे बड़ी बात होती है एक निराशा, किसके लिए? हम छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए निराशा इस बात की सरकार डेडलॉक में पड़ी हुई है। वैकेंसीज जो हो गई हैं उनके एग्जाम, जिनके नोटिफिकेशन आ गए हैं उनके एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, जिनके बोल सकते हैं बहुत सारे की विज्ञप्ति ही नहीं आई है, लेखपाल जैसे पद ऐसे आ गए विज्ञप्ति आने के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो अधर में लटकी हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर कब आएगी पता नहीं है। रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा? इससे पूर्व में UPSI और ASI के लगभग 10,000 से ज़्यादा पद, दोनों को मिला लिया जाए 11,000 पद, उसके अभी रिजल्ट और लिस्ट क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, निराशा से घिर जाते हैं कि इस उत्तर प्रदेश राज्य में इस सरकार से कुछ भी नहीं होना और हम दूसरी सरकार पलटने का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, उससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अभ्यर्थी वर्ग कहीं ना कहीं केवल एक बात जानते हैं, जो हमें परिश्रम करना चाहिए, और इसी से संबंधित मैं आप लोगों के लिए एक विशेष यहाँ पे एक सेशन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। एक संदेश है आपके लिए, संदेश बस इतना सा है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द निराशा फैला लोगे तो हर तरफ, चारों तरफ निराशा ही आपको दिखेगी। यदि आप अपने आप को आशा से देखते हो, आशावाद हो सकते हो, नजरिया अपना बदलते हो, चीज़ों में होपफुली आप ऑब्जर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास कभी भी अवसर की कमी नहीं होती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे इस सेशन में ये जरूर समझाने आया हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से हो तो उत्तर प्रदेश राज्य की ही वैकेंसी आपके ठप्पे लग गई है, ऐसा नहीं है। आपके पास केंद्र या अन्य राज्य के भी बहुत ही ज़्यादा बराबर अवसर होते हैं। केंद्र और अन्य राज्य से मेरा मतलब केवल इतना है आपसे कि पहली बात तो देखो, जब आप दूसरे राज्य में किसी दूसरे राज्य की परीक्षा का एग्जाम देने जाते हो, परीक्षा देने जाते हो, तो वहाँ पे एक जो होता है रिजर्वेशन का, सभी लोग जनरल में टीट होते हैं, तो मैक्सिमम लोग, तो अगर हम जनरल की ही बात करें तो जनरल तो यहाँ पे जनरल की तरफ फाइट करें या बाहर फाइट करें, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो रिजर्वेशन वाले हैं वो यहाँ पे तो अवसर मिलता ही रिजर्वेशन का, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। कई सारे राज्य जो अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश वालों को पेपर देने को अलाउ भी नहीं करते, हम उनकी बात नहीं करेंगे, किंतु केंद्र सबके लिए खुला है और केंद्र में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे हम SSC ही बोल रहे हैं, और SSC कि ही अगर केवल बात करें तो SSC केवल आपके उत्तर प्रदेश राज्य या केंद्र या दिल्ली के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ, दिल्ली के साथ साथ, वो तमाम राज्यों के साथ है। थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ता है लेकिन अवसर कहीं ना कहीं, हम एक जो कंफर्ट जोन है अगर उससे बाहर निकल आए तो हमें अवसर भी ज़्यादा मिल जाता है, और इससे संबंधित सारी हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी वैकेंसी चल रही हैं और क्या है। ये आपका अधीनस्थ का कैलेंडर है जिसमें आपके ANM के 9212, ANM में ज़्यादा भी जिक्र नहीं करूँगा, मुझे पता है कि अभी चैनल से बहुत ज़्यादा बच्चे ANM वाले नहीं जुड़े हैं, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो या पहली बार चैनल पे आए हो और आप ANM की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। फिर भी मेरा फोकस कहीं ना कहीं ज़्यादा लेखपाल वगैरह देखो तो यहाँ पे आप 8500, यहाँ पे तो 7882 लिखा है, टोटल 8500 पद उसमें हैं लगभग। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारी मुख्य परीक्षाएं हैं, जैसे गन्ना प्राविधिक वगैरह हो गया, केन सुपरवाइजर जिसे बोलोगे, उसमें आपके 2500 पद यहाँ पे हैं, ठीक है। यही नहीं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट वगैरह का देखो, स्टेनो की है, 2000 पद ये आने वाले हैं, 1953 पद आपके जो वीडियो के री एग्जाम है उसका आने ही वाला है, लैब टेक्नीशियन का भी करीबन 1200 पोस्ट आने वाला है। तो अधीनस्थ की ही बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम बड़ी बड़ी वैकेंसीज की बात कर लें, यहाँ पे 2500 है इसकी बात कर लें, तो लगभग आपके 13 से 14000
वैकेंसीज केवल अधीनस्थ की हैं। हमारे अंदर निराशा ये आ जाती है कि कहते हैं कि पता नहीं कब होगा, बस ये कैलेंडर नोटिस करते हैं, एग्जाम पता नहीं कब होगा। एक बात आप समझिएगा, अगर अधियाचन आ गया है तो नोटिफिकेशन भी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जाम भी होगा। और आज वो समय नहीं रह गया, एक जमाना होता था जब आप 3 महीने 4 महीने पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाता था, जमाना ये नहीं रह गया है। जमाना प्रतिस्पर्धा का है, कॉम्पिटिशन का है, आपके साथ वाले भी पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और जब हमें समय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, कट ऑफ पे पड़ता है। और ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि हम जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट पे ही हमारा सिलेक्शन, हमारा चयन लेता है। हम केवल कट ऑफ बोल सकते हैं कि क्वालिफाई करने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम होता है तब होता है। मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए हमें कॉम्पिटिशन फील करना पड़ता है, और कॉम्पिटिशन जो हम बीट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द ही जो अन्य अभ्यर्थी होते हैं वो भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य में अधीनस्थ के हों, या फिर अगर हम बात करें ये उत्तर ये आपका एसएससी का है, ठीक है ना, एसएससी के कुछ हैं। इसको मैं बता दूं यहाँ पे, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में भी वैकेंसी चल रही है, उसको मैं आपको ऐसे मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ, ये आपके सामने मैं पूरा लिखा हुआ हूँ, इस पे आऊंगा, 2 मिनट इस पे चर्चा करूंगा कौन कौन सी वैकेंसी कौन कौन से एग्जाम का है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको एसएससी का भी बता दूं कि एसएससी में भी आने वाले में सीएचएसएल एग्जाम है आपका, ठीक है ना, सीएचएसएल के साथ साथ ये आपका, ये तो सीजीएल हो गया है ना, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इसके साथ आपका सिलेक्शन पोस्ट हो गया, फिर आपका हेड कांस्टेबल दिल्ली हो गया, जो हेड कांस्टेबल होता है वो दिल्ली पुलिस में हो गया, उसके बाद आपका कांस्टेबल ड्राइवर का आने वाला है, ये बहुत दिन बाद ही वैकेंसी आ रही है, ऐसे ही हेड कांस्टेबल AWO TPO, जैसे आपने अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया रेडियो ऑपरेटर है, ऐसे ठीक AWO TPO है। और वहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे कहीं ऐसा आपको ओ लेवल समथिंग करके नहीं मांगा है, या फिर कंप्यूटर का अलग से नहीं मांगा, या डिप्लोमा का अलग से नहीं है, वहां पे आप 12th में PCM हो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी यहां पे कर रहे हो। SI जिसे CPO बोलते हैं, SSC का है ये, जूनियर ट्रांसलेटर तो सपोज करिए ये मास्टर डिग्री वालों का है, तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही इसे सजेस्ट कर रहा हूं। हाँ, एक MTS आपका सिविलियन हो गया, इसमें भी अच्छे खासे पद आते हैं। उसके बाद आप देखो तो स्टेनोग्राफर का भी है, बहुत दिन बाद आएगी, इसमें भी है। और फिर ये कांस्टेबल, और सबसे लास्ट में GD, SSC GD जिसे बोलते हो, जहां पे हर बार 25,000 पद से कम नहीं होते हैं। तो ओवरऑल SSC की भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे पद आपके लिए अवसर लेके खड़े हुए हैं। अब हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा बस आपसे इतना है कि ये जो आपके सामने मैं वैकेंसी लिखा हूँ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो इस समय प्रचलित वैकेंसियां हैं उनके बारे में कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर बहुत जल्द आने वाला है, रेडियो ऑपरेटर अभी आप ये मत बोलिएगा कि कब आएगा सर। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर DBPST कब होगा, ये क्या होगा, तो उन सबके लिए मैं इतना बोलता हूँ, जो हमें समझ में आता है, सुनाई देता है, या हम तक जो खबर आती है हम वही बताते हैं। और ऐसा नहीं कि जो खबर आई उसी डेट पर सब कुछ हो जाना है, हम एक अप्रॉक्सीमेशन बताते हैं, वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम तभी बोलते हैं जब हमारे पास कोई कंक्रीट नॉलेज आता है। और यही कारण है हम बार बार हर चीज पे वीडियो नहीं बनाते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि भाई बच्चों में भटकाव, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चों के अंदर भटकाव की स्थिति हो, किंतु आप पेशेंटली, अभी जो हो गया वो तो होता ही रहेगा, आप अन्य चीजों पर भी बराबर फोकस रहो, मेरा इतना संदेश आपको है। तो ये आपके लगभग देखा जाए तो 26-28 है ना, यहाँ पे 29,000 वैकेंसियां, करीबन 29,000 से 30,000 वैकेंसियां जो हैं वो करीबन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कर रहा है। इसके अलावा SI और ASI के भी पद आ रहे हैं, तो लगभग आपके 30,000 जो वैकेंसी है वो लगभग केवल कहां से आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से कर रही है। लगभग मैंने दिखाया 14-15 हजार आपकी कहां से कर रही है, अधीनस्थ से कर रही है। यहां पे अगर आप देख लो, लेखपाल के 8500 पद है, जूनियर असिस्टेंट स्टेनो के 2000 पद है, AGTA केन सुपरवाइजर के 2500 पद है, वीडियो एग्जाम के 2000 पद है, लैब टेक्नीशियन के 1200 पद है, इसे भी मिलाओगे तो 14-15 हजार पद। यानी अगर आप केवल राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो तो राज्य विशेष में ही आपको आने वाले, मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले 12 महीनों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे 1 साल की बात कर रहा हूं। और इस 1 साल में आपके पास कम से कम 40,000 से 45,000 वैकेंसियां आपके सामने हैं, जहां पे आप अपना भाग्य भी आजमा सकते हो, आप अपनी मेहनत भी आजमा सकते हो। और यही नहीं, कहीं ना कहीं जमाना कॉम्पिटिशन का है, लेट लपाट होता है उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छुपा नहीं है। कई बार अभी आज भी अधीनस्थ की बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो 2016 की 2022 में भी क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन हमें केवल निराश नहीं होना चाहिए, आज नहीं तो वो कल होगा ही, और आपको अवसर अजमाने चाहिए। और बिल्कुल ये करो,
क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी सरकार के भरोसे बैठो, किसी आयोग के भरोसे बैठो, आप मेहनत करना छोड़ दो, आप इंतजार करो, नहीं। इसमें केवल आपको निराशा हाथ लगेगी और आप अपना जो बहुत ही कीमती समय है वो बर्बाद करोगे। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने अंदर अपने आप को ये समझाओ कि जो मैंने पेपर दे दिया वो तो दे दिया, अब उसका रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। जो वैकेंसी आएगी वो हम क्या करेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब फॉर्म भर देंगे, लेकिन तैयारी हम आज से उसकी शुरुआत कर दें। वो जमाना नहीं रहेगा कि आप 3-4 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले लोगे। आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आपको कम से कम 8 से 10 महीने चाहिए, और कंपटीशन उससे हो रहा है जो वर्ष 2016 की वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही उस बच्चों से भी आपका कंपटीशन हो रहा है। तो प्रतिस्पर्धा, नो डाउट, आप किसी से ये नहीं क्वेश्चन उठा सकते कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें एक्सक्यूजेस लग रहे होंगे कि मैं जो कह रहा हूं कि सर जी बस तो ऐसे कह रहे हैं, आसान नहीं होता दिमाग को संतुलित करना, आसान नहीं होता, इतना जल्दी दिमाग हम अपने कंट्रोल में नहीं ला पाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बिल्कुल आप वही हो जो स्टिल मेरे समझाने के बाद भी आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो। सफलता आपके एक्सक्यूजेस को नहीं देखती। हमारी आदत बन जाती है कि हम एक क्या कर लें, एक्सक्यूज निकाल लें, एक बहाना निकाल लें, है ना, एक चीजों को टालने का हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक हैबिट सी बन जाती है कि अब नहीं, हम आगे चल के देख लेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगी। अंततः करते क्या हुआ, अंततः आप अपना समय व्यर्थ करते हो। बहुत सारे बच्चे चुनाव में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, उसमें व्यर्थ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे वेब सीरीज और बहुत सारे टीवी सीरीज में दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गपशप में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे और भी अतिरिक्त बहुत सारे कामों में शादी ब्याह में ले रहे हैं। लेकिन क्या ये आपके जीवन में काम आएगा? बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपके जीवन में यकीन मानो जो आपकी असली पूंजी है वो आपकी पढ़ाई है और आज अब तक किया गया मेहनत है, और यही सत्य है, यही परम सत्य है। आगे चल के आपको ये बात समझ भी आएगी, तो जो मैं कह रहा हूं वो आप सुनिए ध्यान से। अवसर आपके पास कम नहीं है, 45,000 केवल उत्तर प्रदेश में है। एसएससी की बात किया जाए तो एसएससी में क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह होती है कि बहुत सारे बच्चे केंद्र में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे अंग्रेजी पूछा जाता है, अंग्रेजी विषय से डर लगता है। तो एक बात आप समझना, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जहां पे अंग्रेजी विषय का कोई रोल ही नहीं होता। जैसे आप एसएससी जीडी देख लो, है ना, आप कांस्टेबल ड्राइवर देख लो, यहां पे कोई भी भाषा नहीं पूछी जाती है। आप हेड कांस्टेबल देख लो, ये सब आपके मेट्रिकुलेशन 10th और 12th पे एलिजिबिलिटी मांगते हैं और वही पूछा जाता है। वही जीएस आप जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पढ़ रहे हो वही जीएस आपको पढ़ना होता है, वही मैथ्स आपको पढ़ना होता है, वही रीजनिंग आपको पढ़ना होता है। एक अलग विषय केवल आपके यहां पे इंग्लिश आती है जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते हो। तो एक बात समझना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के अधिकतम बच्चों, मैं ये नहीं बोलूंगा सभी के, अधिकतम 90% बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है और अंग्रेजी कमजोर होती है। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो यह भी बात किसी से छुपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा पैदाइशी ही उसकी सामान्य अध्ययन, उसका जीएस और करंट अन्य राज्यों के या केंद्र में की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों से ज्यादा तेज, ज्यादा अच्छी होती है। तो आप कहीं ना कहीं जीएस में, करंट अफेयर्स में उनसे ज्यादा बूस्ट करते हो। रीजनिंग सबके लिए बराबर होती है, गणित सबके लिए बराबर होती है। तो अगर आप उन चीजों को साथ में तैयारी कर रहे हो, कुछ अलग नहीं है, आप उनको अपना हथियार बनाओ। वही चीज पढ़ना है, फॉर्म भरना है, थोड़ा अपने माइंड के सेटअप को चेंज करना है। रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में भी मैं खुद आपसे बहुत ऐसी रणनीति शेयर कर लूंगा कि जो इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान हो जाती है आपको। जैसे मैं बताऊं, जब मैं तैयारी करता था तो मैं अपने पिल्लो के बगल में ही हमेशा जो 800 पन्ने वाली डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की, उसे लेके बैठता था और डेली बेसिस पे 20 से 30 पन्ने में पढ़ता था। मेरी एक आदत थी, मेरी ऐसा नहीं, मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला बच्चा हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं को दिया हूँ और मैं भी यहाँ से जो एक भाषा का वो होता है उसे मैंने झेला हूँ। किंतु कहीं ना कहीं अंग्रेजी कैसे आपको तेज करनी है वो मैं इस अलग से सेशन आपके लिए लेके आऊंगा और बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इंग्लिश के लिए मैं अलग से स्ट्रेटजी लेके आऊंगा कैसे आपको तेज करनी है। CHSL में 25 क्वेश्चन की अंग्रेजी आती है, MTS में 25 क्वेश्चन की अंग्रेजी आती है, लेकिन वो 25 क्वेश्चन भी मैं जितना बता दूंगा आप केवल एक किताब पढ़ लीजिएगा और अल्टीमेटली आप केवल इनके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा केवल, तो अंग्रेजी के 70% क्वेश्चन फंस जाएंगे। मतलब 25 में आप 20 प्लस स्कोर ले आओगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने मात्र से। उसकी रणनीति भी मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी जो ये वैकेंसियां हैं इसमें आपको कहीं भी माध्यम या फिर अंग्रेजी विषय आपको रोड़ा नहीं देगी, और ये वही वैकेंसी है। एक यूपीपी की जो तैयारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए समान अवसर है। अब ये दिल्ली पुलिस में है, ये पोस्टिंग दिल्ली पुलिस में होती है, लेकिन बच्चे हर राज्य के देते हैं। आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर जो कह रहे हैं केंद्र में कंपटीशन बढ़ जाता है, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ जाता है,
लेकिन ये भी तो देखो, वैकेंसी की संख्या भी तो ज्यादा होती है, वैकेंसी रेगुलर भी तो है। आप ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश के राज्य में आप स्थित और किसी वैकेंसी की आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो, और उसी 3 साल में केंद्र के या किसी अन्य राज्य में 3 साल में 3 बार भी वैकेंसी आ गई। अगर 2-2 हजार वैकेंसी आई तो 3 साल में 6 हजार वैकेंसी आई, और आप पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के उसी राज्य के 500 वैकेंसी के लिए बार बार क्या कर रहे हो, अपना दिमाग खराब कर रहे हो, अपना माथा खराब कर रहे हो और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। रही बात फॉर्म भरने की, तो आप, मैं एक जनरल सा ले लेता हूँ वीडियो 2018 का ही, लगभग उसमें 1900 वैकेंसी थी और उसमें लगभग फॉर्म 17 से 18 लाख पड़े थे। देखा जाए तो 17-18 के उसमें सिलेक्शन का चांस 0.1% आता है, 0.1%। वही अगर एसएससी जीडी एसएससी को कंपेयर कर लोगे तो लगभग 25,000 वैकेंसी आती है और 35 से 40 लाख फॉर्म पड़ते हैं, है ना। तो 25,000 का अगर आप फिर से 50,000 करोगे तो भी आपका लगभग उतना ही परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, कंपटीशन का परसेंटेज तो आपका वही जा रहा है। तो अंततः प्रतिस्पर्धा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके अवसर बढ़ जा रहे हैं। तो बस इतना सा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए और आप अपनी तैयारी को एक अलग भी दिशा देते रहो। आप किसी के इंतजार में मत बैठो कि 2016 की वैकेंसी जब क्लियर होगी तभी हम कुछ स्टार्ट करेंगे। हमारा ये रिजल्ट जब आ जाएगा, जब एएसआई का एसआई का डीबीपीएसटी हो जाएगा तब हम दूसरी तैयारी शुरुआत करेंगे। जब कंप्यूटर ऑपरेटर का विज्ञप्ति आ जाएगी तब हम कंप्यूटर ऑपरेटर पढ़ना शुरुआत करेंगे। ऐसे में आप केवल अपने अवसर को खो रहे हो और आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी उन बच्चों से पीछे हो और अपने आप को और पीछे कर लो। एक समझदार बच्चा इन्हीं अवसर का फायदा उठाता है, अपनी मेहनत में कंसिस्टेंसी लाता है, सोशल मीडिया से जमाने से अपने आप को दूर रखता है, निगेटिविटी से दूर रखता है और अपनी तैयारी को एक सही दिशा देता है। तो इतना मैं आपसे केवल कहना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर इसको भी मिला लिया जाए तो लगभग 35,000 वैकेंसी इसमें भी है आने वाले 10-12 महीनों में। आप बहुत शॉर्ट टर्म मत सोचो, आप 3 से 4 महीने मत सोचो, आपकी तैयारी ये 3 से 4 महीने नहीं है। और आप अपने बैक फ्लैश में झांक के देखो, आप खुद से सवाल करो, मुझसे सवाल मत करो, आप खुद से सवाल करो कि आप पिछले कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल कर रहे हो ना कर रहे हो, तो ये फिर आपको 3-4 महीने के लिए आप क्यों इतनी जल्दबाजी में आते हो। आप अपना 12 महीना टारगेट करके चलो और लक्ष्य इतना अच्छा रखो कि आपका हो जाएगा। मेरा विशेष आप सभी से, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, पार्शलिटी नहीं है लेकिन एक लगाव जो है मैं उसे भी डिनाई नहीं कर सकता हूं कि आप सभी के प्रति एक अलग ही लगाव है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, उसके लिए मैं दिन रात खड़ा हूं। आपको जिस प्रकार की मदद मुझसे चाहिए मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी विषय में कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो, नंबर हमारे चल रहे हैं, आप पर्सनली इनमें से किसी भी कॉल करोगे तो जो भी सबसे अच्छी बात है, परीक्षा प्रश्न में जो नंबर उठाते हैं वो टीचर ही उठाते हैं, कोई आपका कॉलिंग नंबर नहीं उठाता है, वो चाहे मैं उठाऊंगा, आशीष सर उठाएंगे, रमन सर उठाएंगे, कोई उठाएगा। तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, आपकी कोई वैसी समस्या, आपकी तैयारी हो, आपकी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हमसे पूछ सकते हो। हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज है आप उसमें कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आप डाल सकते हो। किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है आप हम तक डालो, आप चीजों को करो। और अगर ये इस वीडियो जो मैं आपके लिए एक खास यहाँ पे कुछ सोच के ही लेके आया हूं, मुझे इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो का कितना प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी आप मुझे इस कमेंट में बताओ। बाकी हर कदम हर परीक्षा के लिए इन सब के वैकेंसी की एक एक डिटेल, छोटी छोटी माइनर डिटेल भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी लेके आऊंगा। और मैं इतना बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए मैं इसी महीने, चाहे फरवरी लास्ट चाहे मार्च के इनिशियल वीक में, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं और आपके हित में बहुत बड़ी, एक बोल सकते हैं जो मैं कर सकता हूं अपने तरफ से वो करने वाला हूं। तो आप सभी से बोलूंगा कि आप उसका इंतजार करिए और आपके लिए ये टीम परीक्षा प्लस दिन प्रतिदिन प्रतिबद्ध होकर आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है और आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध भी है, अग्रसर भी है। तो आप मस्ती से पढ़ते रहो, मस्ती भी करो, एंजॉय भी करो, कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अवसर को पहचानो। और इन सब के बारे में भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में लेके चीजें बताते हुए आऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मस्ती करते पढ़ाई करते रहिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।